हेलो दोस्तों, मैं अभिजीत सिंह स्वागत करता हूँ आपकी अपने यूट्यूब चैनल जी सटे के। दोस्तों आज की इस वीडियो में करते हैं उत्तर प्रदेश की दरोगा भर्ती के सामने, यानी उत्तर प्रदेश की दरोगा भर्ती की ऑनलाइन आवेदन चल रही है। ऐसे में यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नत बोर्ड की तरफ से एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया गया है, देखते हैं क्या अपडेट है। तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किया आखिरी तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी अपडेट आप तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों ये आ जाता है वो नोटिस, यहाँ पर लिखा गया है उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नत बोर्ड, ठीक है, यहाँ पर जारी किया गया आज की तारीख का नोटिस है। यहाँ पर लिखा गया 22 अप्रैल, यानी आज का ही नोटिस है। यहाँ पर बताया गया कि यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रोन्नत बोर्ड की तरफ से यहाँ पर 9027 पदों पर यहाँ पर जो है यूपीएससी भर्ती होने वाली है, और यहाँ पर जो है 484 पदों पर यहाँ पर जो प्लाटून कमांडर की भर्ती होने वाली है, और पीएससी एवं अग्निशमन द्वितीय अधिकारी की भर्ती जो है लगभग यहाँ पर 23 पदों पर होने वाली है। अर्थात कुल मिलाकर यहाँ पर जो 9534 पदों पर ये वैकेंसी होने वाली है, जिसके आने आवेदन 1 अप्रैल से चालू हो गए थे, और यहाँ पर जो इसकी लास्ट डेट रखी गई थी वो यहाँ पर रखी गई थी 30 तारीख, यहाँ पर लास्ट डेट रखी गई थी यानी 30 अप्रैल यहाँ पर लास्ट डेट रखी गई थी। लेकिन यहाँ पर लिखा गया उक्त पदों हित आवेदन पत्रों को भरे जाने के लिए अवांछित प्रमाण पत्र बनवाने में कोविड-19 महामारी के कारण अभ्यर्थियों के समक्ष आ रही समस्याओं को दृष्टिगत बोर्ड द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 30 दिवस और बढ़ाते हुए दिनांक 30/5/2021 किए जाने का निर्णय लिया गया है। अतः अभ्यर्थी का उपरोक्तानुसार दिनांक 30/5/2021 तक आवेदन कर सकते हैं। यानी यहाँ पर जो है अब एक बार फिर से यहाँ पर जो है यानी एक बार डेट बढ़ा दी गई है, यहाँ पर जो है 30 तारीख से यहाँ पर जो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यानी यहाँ पर जो है यूपीएससी भर्ती के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो है आप 30 मई तक आवेदन कर सकते हैं। पहले यहाँ पर जो डेट रखी गई थी वो रखी गई थी यहाँ पर 30 अप्रैल रखी गई थी, लेकिन यहाँ पर जो है अब डेट को बढ़ाते हुए यहाँ पर जो है 30 मई तक कर दी गई है। और इसमें आवेदन करने के लिए यहाँ पर जो आपको 10+2+ में आपको यहाँ पर जो है साथ ही साथ आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें एज की तो एज यहाँ पर जो है यूपीएससी के लिए यहाँ पर जो है मिनिमम 21 वर्ष रखी गई और मैक्सिमम यहाँ पर जो है 28 वर्ष रखी गई है, और यहाँ पर जो ओबीसी एससी एसटी स्टूडेंट को यहाँ पर 5 साल की छूट भी दी जाएगी। दोस्तों ये थी आज की अपडेट। वही बात करते हैं दूसरी अपडेट की, और यहाँ पर लिखा है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी की तरफ से एक इंपॉर्टेंट नोटिस जारी किया गया है। यहाँ पर लिखा गया ड्यू टू द सर्ग इन कोविड-19 केसेस अक्रॉस द कंट्री, द कमीशन हैज डिसाइडेड टू डिफर द पेपर सेकंड ऑफ सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस सीएसएफ, ठीक है, एंड एएसआई इन सीआईएसएफ एग्जामिनेशन 2019 शेड्यूल ऑन 8/5/2021। फ्रेश डेट फॉर द सेट एग्जामिनेशन विल बी इमिटेड ड्यू टू कोर्स, यानी यहाँ पर जो एसएससी तरफ से कराया जाता था यानी सीआईएसएफ का जो सेकंड पेपर था यानी 2019 वाला जो सेकंड पेपर था वो यहाँ पर कैंसिल कर दिया गया है, जो कि यहाँ पर 8 तारीख को होने वाला था वो यहाँ पर कैंसिल कर दिया गया, ठीक है। यानी कोरोना को देखते हुए यहाँ पर जो सीएपीएफ और एएसआई का जो पेपर होने वाला था 2019 वाला जो सेकेंड पेपर था वो यहाँ पर कैंसिल कर दिया गया है, और यहाँ पर जो फ्रेश डेट आपको बाद में बता दी जाएगी। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग जिनसा टेक।